Hi friends, Seema here. Welcome back to my page, Craft House. आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार और आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार. जैसे कि मैं क्राफ्ट हाउस में वीडियो अपलोड करती हूँ हाउ टू डेकोरेट योर हाउस विद वेस्ट मटीरियल. टेक आउट मटीरियल फ्रॉम योर होम. आपके घर में से ही आपको जो सामान मिले उसी से ही हम घर सजाएंगे. उसके हेल्प के लिए हम थोड़ा बहुत सामान मार्केट से परचेज करते हैं बट हम लिटिल बिट ऑलमोस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट का ही और वेस्ट मटेरियल यूज करते हैं. इसी तरह से पहले जब मैंने लॉकडाउन में अपना घर डेकोरेट स्टार्ट करना शुरू किया था तब मैंने पूरा घर डेकोरेट किया, अलग अलग बनाई, आपको बताया भी, दिखाया सब कुछ. पहले मैं सोचती रहती थी अब मैं यहाँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, बट अब मुझे सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अब मेरी हेल्प आप लोग कर रहे हैं. आप मुझे कमेंट्स कर देते हैं, कमेंट्स में कहते हैं मैडम हम इस चीज़ को कैसे बनाएं, क्या करें. तो इसी तरह से एक प्लस टू के एग्ज़ाम जिन गर्ल्स ने दिए हैं उनका एक ग्रुप है, उन्होंने मुझे कमेंट डाला. उन्होंने पूछा है उसमें से कुछ एक लड़कियां ऐसी हैं जो बड़ी एवरेज चाइल्ड हैं और कुछ ऐसी हैं जो हाईएस्ट मार्क्स परसेंटेज अच्छी लेती हैं. पर कुछ एक ने कहा कि आजकल हम घर पर हैं ना, अभी हमारा कुछ पढ़ने का है ना कुछ कर रहे हैं, बट मदर का प्रेशर है कि जैसे आपकी बहनें और बना रही हैं तो आप भी कुछ बनाओ, डेकोरेट करो. अब और कुछ हमारी फ्रेंड ऐसी मेरी जो बहनें हैं जो आपका वीडियोस देख के घर डेकोरेट कर रही हैं, बट अब मैं बनाती हूँ, मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ पर मेरा कम इंटरेस्ट है पेंटिंग में. तो मैं थोड़ा सा आपसे कुछ ऐसी पेंटिंग चाहती हूँ, मेरा हाथ पेंटिंग में कम चलता है, मैं स्केल पेंसिल लाइन लगाना बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो मैं इजीली कर सकती हूँ. तभी फिर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ स्पायरल पेंटिंग. स्पायरल पेंटिंग आपने स्केल पेंसिल और इरेजर्स के साथ ही बनानी है. ये देखिए मैं स्पायरल पेंटिंग बताती हूँ आपको. ये होती है हमारी स्पायरल पेंटिंग. इसमें स्पायरल पेंटिंग में हम जितनी भी हमारी लाइन्स ही लगेंगी सारी लाइन्स हमारी फ्री हैंड है. स्टार्टिंग में आपको स्केल की जरूरत पड़ सकती है बट बाद में आप इसको सारा फ्री हैंड के साथ ही अपनी पेंटिंग्स बना सकते हैं. और यही मैं आपको बनाना बताती हूँ कि कैसे आप स्पायरल पेंटिंग बना सकते हैं. ये तो मैं काफी एक्सपर्ट हो गई हूँ तब मैं बना रही हूँ, बट इनर स्टार्टिंग आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले बनाना. एक शीट के ऊपर स्केयर ड्रॉ करिए. स्केयर ड्रॉ करके कैसे बनाना है वो बताती हूँ मैं आपको बताती हूँ. ये स्केयर हो गया, ये देखिए ये डिजाइन मैंने बनाया है सर्कल में और ये वाला डिजाइन है ट्रायंगल का और ये वाला डिजाइन है रेक्टेंगल का. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल सर्कल देन यू कैन डू दैट, आप करना स्टार्ट कर सकते हैं. तो आइए अब हम शुरू करते हैं स्पायरल पेंटिंग बनाना और स्पायरल पेंटिंग को आप बना के घर को कैसे सजा सकते हैं. स्पायरल पेंटिंग स्टार्ट करने के लिए जैसे कि मैंने लिया एक मार्कर, एक शीट और इसके ऊपर मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है. इसको आपने स्टार्ट कैसे करना है, आप बिल्कुल कॉर्नर से पिकअप करेंगे देन आप सेकेंड कॉर्नर का थोड़ा सा नीचे की साइड जाएंगे, फिर आप यहां से ऐसे ही बिल्कुल कॉर्नर से लेके गैप आ जाएगा आपका, इतना नीचे आपका रहेगा. फिर आपका ऐसे ही यहां बिल्कुल कॉर्नर से लेके ऐसे आप बिल्कुल थिन से लेके और जो लाइन आपकी जाएगी वो इनसाइड जाएगी. ये देखिए आप इस तरह से बनाते जाइए. अगर मैं लाइन लगाते हुए बोल रही हूँ तो लाइन टेढ़े होने के चांसेस हैं, इसलिए मैं लाइन ड्रॉ करते हुए नहीं बोल रही हूँ. आप इसको देखते जाइए. अब आप भी इसको बनाना स्टार्ट करें. मैं इसको पूरा करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनेगा. अब आप भी इसको इसी तरह से बनाते रहिए. ये देखिए हमने पूरा एंगल जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही आपने लाइन रोटेट करना है और इस टाइम मैं बिल्कुल अंदर एंड तक आ चुकी हूँ. तो एंड में देखिए आप इसको बनाते जाइए, बट ये ध्यान रखिए कि बनाते हुए बोलिए नहीं, अगर आप बोलेंगे आपकी लाइन ब्रीदिंग से आपकी हाथ हिल जाएगा और आपकी लाइन टेढ़ी हो जाएगी. तो मैं आपको बताऊंगी इसको लास्ट में जाके हम क्लोज कैसे करेंगे.
ये देखें, ये हमारा स्क्वायर बन गया है। इसी तरह से आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल सभी की प्रैक्टिस करिए। आपके जब आपका हैंड बिल्कुल फ्री बैठ जाएगा, देखिए आपको इसमें कहीं पे भी कहीं पे बस थोड़ी सी अगर आपको लगता है टाइट या लूज, तो अगर फ्री जा रही हो तो चले जाए, बट ज्यादा डिस्टेंस नहीं हो, कम डिस्टेंस होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी सुंदर आएगा। और देखिए आपका स्क्वायर कितना सुंदर बन गया है। आप कह सकते हैं इसमें आपके फोर पेटल्स आ गई है। अगर हम फ्लावर के हिसाब से देखें तो हमारी फोर पेटल्स आ गई है। ज्योमेट्रिकल डिजाइन आ गया, आपको ना ब्रश लेना है ना कलर्स लेने, कुछ नहीं, आपने सिर्फ लाइंस ही ड्रॉ करनी है। यू कैन डू द प्रैक्टिस, आप करते रहिए। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि ये तो मैंने बनाया है, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप स्पाइरल सीख जाएंगे। मैंने अपने ही घर में स्पाइरल पेंटिंग बनाई है, उनको लगाया है। उनको बनाने के लिए मैंने कुछ अलग टेक्निक यूज की है, प्रोसीजर वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ मैंने उसको अपोजिट किया है। अपोजिट कैसे किया, ये देखिए, जैसे कि ये मैंने ट्रायंगल के लिए लिया कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने, जैसे कि आपको व्हाइट शीट के ऊपर बताया हम प्रैक्टिस करेंगे, बट मैंने इसको व्हाइट की जगह ब्लैक चार्ट लिया जिसको मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर लगा दिया और इसको कट कर लिया है ट्रायंगल शेप में। और इसके ऊपर मैंने ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाया पहले पूरा और उसी के साइड में ट्रायंगल अपोजिट बना दिया। और अब मैं उसी तरह से इसके अंदर करने वाली हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी। और सेकेंड मैंने ऐसे ही लिया है सर्कल, सर्कल में भी मैंने पूरा इसको, इसमें एट लाइंस ड्रॉ कर दी है, डिवाइड करके इसको ही मैं करने वाली हूँ। फिर उसके बाद में मैं आपको एक बना हुआ दिखाती हूँ सर्कल आपका बनने के बाद कैसा लगेगा। ये देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था व्हाइट शीट के ऊपर ब्लैक पेन, यहाँ पे मैंने यूज किया है ब्लैक शीट के ऊपर व्हाइट, व्हाइट की जगह मैंने यूज किया है व्हाइट पेंसिल। व्हाइट पेंसिल इजीली मार्केट में मिल जाती है, आप व्हाइट पेंसिल ले सकते हैं, उनके साथ ड्रॉ करें और उसके साथ आप बना सकते हैं। और ये वैसे भी एक तो कंफर्टेबल ये आपका कि आपकी इरेज जल्दी हो जाती है अगर बाई चांस कहीं लाइन रॉन्ग होगी, क्योंकि पेंटिंग आपने वॉल पे लगानी है, आप रब कर सकते हैं और ऐसे करके आप बना सकते हैं। ये देखिए, और मैंने एक और ट्राइंगल बनाया है, इसके लिए मैंने यूज किया सिल्वर ग्लिटर, जो मैंने ड्रॉ किया है सिल्वर ग्लिटर। सिल्वर ग्लिटर के साथ में जो हम मैंने बनाया है, देखिए इसका लुक, इसके अंदर मैंने ट्रायंगल भी बनाया है और इसके अंदर मैंने सर्कल भी बनाया है, दोनों चीज को मैंने ज्वाइंट कर दिया है। ये देखिए, इसका एक प्रॉपर फैबुलस लुक, मतलब आप इसको फ्रेम करके लगाएंगे तो एनीबडी एल्स सी दैट कि आपने ये कैसे बनाई और क्या किया, बिकॉज आप इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपकी फैबुलस लगेगी। और जो पेंटिंग्स मैंने घर में लगाई है उसकी पिक मैं आपको वीडियो के एंड में डाल दूंगी, आप उसको जरूर देखिएगा कि कैसे आप बना सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बट आपकी वॉल ब्यूटीफुल लगेगी और आपकी मम्मा आपको बोलना बंद कर देंगे आप करो, तो आप जो पेंटिंग्स बनाओगे वो अनबिलीवेबल होगा, वो भी देखेंगे कि आपने कैसे बनाया। वही फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने स्पाइरल पेंटिंग बताई, होप्स हो कि आप इस पेंटिंग को बना के अपने घर को डेकोरेट करेंगे और मेरी इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे और सारे में अप्रिशिएट करेंगे। ये मुझे आपसे उम्मीद है आपकी अप्रिसिएशन के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और इसी तरह से आपके कमेंट का जवाब देती रहूं। थैंक यू।